हेलो वेलकम गाइस, काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक और ब्लॉग लाया हूँ मैं आज आपको अपना वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ कि मैं कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ। तो मैं फॉलो करता हूँ पुश पुल लेग, क्योंकि पुश पुल लेग एक नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट माना जाता है। तो आज हम पुश वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहला वर्कआउट हमारा पुश पुल के लिए, पुश वर्कआउट में जो होता है वो है डंबल इंक्लाइन प्रेस। डंबल इंक्लाइन प्रेस आपके चेस्ट के इंक्लाइन को टारगेट करना है। ये फर्स्ट डे का है। जब आप फिर आप एक बार पुश लगाओगे नेक्स्ट डे, तो आप बेंच प्रेस कर सकते हो जो आपके मिडिल हिस्से को टारगेट करेगा। तो आप इसे देखो मैं कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले चेयर को मैं बहुत ज़्यादा ऊपर सेट नहीं करता हूँ, इससे आपके फ्रंट डेल्ट में ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। मैं हमेशा चेयर को थोड़ा सा नीचे इस तरह से प्लेस करता हूँ, जिसकी वजह से आपको पूरा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर आपके इंक्लाइन में आएगा। और डंबल प्रेस मैं कैसे करता हूँ ये देखें आप। थाइस के बल से आपको उठाना है ताकि आपको ज़्यादा चोट ना लगे। आप नीचे आएंगे स्लो इसेंट्रिक मूवमेंट के साथ में, और ऊपर थोड़ा सा जोर जाके लॉक। अब बिल्कुल माइंड मसल कनेक्शन बनाने के साथ, ताकि पंप मैक्सिमम हो। ऐसे करके आपको तीन सेट इस वर्कआउट के लगाने हैं, और हर सेट में आपको वेट बढ़ाना है। आप इसके तीन सेट 15, 12 और 10 रिपीटेशन के लिए कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। सो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है पुश पुल लेग का, पुश रूटीन का। ये है केबल क्रॉस, जो आपके लोअर चेस्ट को और आपके पेक मसल को हिट करता है। बहुत लोग इसको काफ़ी ऊंचा लगाते हैं। आपको इसको सेट करना अपने सर से थोड़ा ऊपर, ताकि आपको मैक्सिमम प्रेशर आपके चेस्ट में हो, ना कि फ्रंट डेल्ट पे। और इसको आप कैसे करेंगे आप देख लें। सबसे पहले आपको एक पैर आगे लाना है अपना, अपने चेस्ट को नीचे रखकर अपने सर को ऊपर उठाना है। आप जाएंगे इसेंट्रिक मूवमेंट के साथ धीरे धीरे ऊपर, और लाके आप करेंगे लॉक। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और लॉक करेंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और लॉक करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन सके। इस वर्कआउट के भी आपको तीन सेट लगाना है, 15, 12 और 10 रेपिटेशन के साथ में। ये वर्कआउट बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके लोअर चेस्ट और आपके पेक मसल के लिए। सो हमारा अगला वर्कआउट है ट्राइसेप पुश डाउन। मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा रोप्स का, क्योंकि रोप्स में मैक्सिमम स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन मिलता है आपके ट्राइसेप को, जिससे आपके ट्राइसेप ग्रो काफ़ी अच्छे से होते हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छे से आता है। तो आप इसके भी तीन सेट 15, 12, 10 रिपीटेशन के साथ लगा सकते हैं। और इसको लगाने का सही तरीका वही इसेंट्रिक मूवमेंट, जब आप ऊपर जाओ तो धीरे धीरे, और नीचे आओ तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने मसल को। आप देखो किस तरह से आप लगाओगे। आपको बिल्कुल इसी तरीका से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। आपको बिल्कुल यहाँ नीचे होल्ड करना है फॉर द मैक्सिमम प्रेशर, और धीरे धीरे आपको इसको ऊपर ले जाना है फॉर द मैक्सिमम स्ट्रेच। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। सो हमारी अगली वर्कआउट ट्राइसेप के लिए है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये ट्राइसेप का मास बिल्डिंग वर्कआउट, और एक बहुत ही अच्छा ट्राइसेप का कंपाउंड वर्कआउट है। इसको करने से आपके ट्राइसेप के तीनों हेड ट्रेन होते हैं। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, बहुत लोग इसे गलत लगाते हैं। बहुत कोई इसे बहुत ज़्यादा क्लोज पकड़ लेते हैं, बहुत कोई इसे बहुत ज़्यादा दूर पकड़ लेते हैं। आपको बिल्कुल एक मिड सेक्शन में पकड़ना है, ताकि आपके ट्राइसेप में मैक्सिमम प्रेशर पड़ सके। आप देखो इसे किस तरह से करोगे, और आपको इसे अपने डिक्लाइन में गिराना है। बिल्कुल मिड सेक्शन पे ग्रिप लेना है, हल्के से इसे होल्ड करना है, और आपको नीचे धीरे धीरे लाना है, और ऊपर उठा के कॉन्ट्रैक्शन करना अपने ट्राइसेप में। धीरे धीरे नीचे डिक्लाइन पोजीशन में लाना है, ऊपर ले जाके कॉन्ट्रैक्शन करना, धीरे धीरे नीचे। इसके भी आपको तीन सेट 15, 12 और 10 रिपीटेशन के आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें आपको हमेशा हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करना है, ताकि आपके ट्राइसेप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ सके। सो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो शोल्डर के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि चेस्ट ट्राइसेप के बाद शोल्डर क्यों। पुश वर्कआउट में चेस्ट
ट्राइसेप और शोल्डर, ये तीनों चीज़ को अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है तो हमारा एक पुश वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो हम अपने शोल्डर के लिए, शोल्डर मींस डेल्टॉइड, डेल्टॉइड मींस लैटरल हेड, लैटरल हेड को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट वर्कआउट होता है साइड लैटरल राइज, डंबल साइड लैटरल राइज। इसको करने का तरीका है बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं करता हूँ। आपको थोड़ा सा लीन डाउन होना है, ऐसे पूरा सीधा आपको खड़ा नहीं होना, थोड़ा सा लीन डाउन होना। ये डंबल गया नीचे, हल्का हल्का आना आपको ऊपर, ऐसे नीचे हल्का हल्का इसेंट्रिक मूवमेंट के साथ। मैक्सिमम प्रेशर आपके लैटरल हेड में पड़ेगा। इसके भी आप 3 सेट 15 से 10 रिपीटेशन के साथ लगा सकते हैं। सो गाइज, हमारा लास्ट वर्कआउट है इस पुश सेशन का, डंबल शोल्डर प्रेस। ये भी एक मास बिल्डिंग वर्कआउट है आपके डेल्टॉइड्स के लिए। ये बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट होता है, बहुत कोई इसे बारबल से करते हैं, जैसे बारबल फ्रंट प्रेस करते हैं। आप चाहो तो डंबल से भी कर सकते हो ताकि आपका प्रपोर्शन बिल्कुल सही रहे। इसके भी आपको 3 सेट 15 से 10 रिपीटेशन के साथ लगाना, और कैसे लगाना आप देख लो। आपको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट खड़ा होना है और डंबल को बिल्कुल सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ, आपको ऊपर थोड़ा तेज ले जाना है और नीचे धीरे धीरे आएंगे इसेंट्रिक मूवमेंट के साथ, धीरे धीरे बिल्कुल मसल को फील करते हुए। माइंड मसल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ, इसे आपको याद रखना है। धीरे धीरे सो थैंक यू सो मच गाइस आज के सेशन के लिए। कल मैं आप लोगों के लिए पुल वर्कआउट का एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करें और मेरा व्लॉग्स को इसी तरह देखते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।